लोशन नहीं लगाया, पानी लगा रहे थे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष, वेलकम बैक टू एस व्लॉग्स। आई होप कि सब अच्छे होंगे। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी भी है और मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है। खुशी इस बात की है कि 1K सब्सक्राइबर्स ज़्यादा हो गए हैं, इसकी मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है। और कल की छुट्टी है। हाँ, कल की छुट्टी है, उसकी भी खुशी है शिफ्ट की, ठीक है। और आई नो थोड़े से व्लॉग डिले हो रहे हैं, डिले इसलिए हो रहे हैं क्योंकि फुल टाइम काम करने की हमको अपॉर्चुनिटी मिली हुई थी, तो हम वो यूज़ कर रहे थे। तो लाइक अब वो अपॉर्चुनिटी ख़त्म हो गई है, अब हम वापस से 20 आवर्स पर वीक पर आ चुके हैं। तो अब से मैंने एक चैलेंज लिया है कि 10 डेज डेली व्लॉग डालूंगा आज से, ठीक है। व्लॉग्स के साथ साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी आएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ व्लॉग्स ही चलेगा। और एक बात की और खुशी है कि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका हुआ है, और थैंक यू सो मच, बहुत ज़्यादा दिल से थैंक यू सो मच। जो आज का जो व्लॉग है ना, इट्स नॉट एक्चुअली व्लॉग, मैं इसमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगा, थोड़ी नहीं एक्चुअली इन्फॉर्मेटिव वीडियो ही है ये। तो मेक श्योर अब ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी बच्चे अब जनवरी या फरवरी इंटेक में जो आने वाले हैं, उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है जब वो पैकिंग करते हैं अपने बैग्स की। अभी तो भाई ठंड हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, माइनस में चल रहा, अभी बोला भी नहीं जा रहा है, थकान हो रही है बहुत ज्यादा, जबकि हम नॉर्मल चल रहे हैं। अभी बताता हूँ हमारी क्लास कहाँ पे है, जो डीएमई आने वाले ना, ये देख लो, ये ह्यूस्टन बिल्डिंग, यहाँ पे हमारे सेमिनार क्लासेस होती हैं, देख लो भाई, ये ह्यूस्टन बिल्डिंग का एंट्रेंस है, कुछ इस तरह से दिखती है हमारी यूनिवर्सिटी अंदर से। यहाँ से डार्क स्टेयर्स लेंगे सीधा सेकंड फ्लोर पे, वहाँ पे हमारी क्लास है। तो ये देख लो भाई, यहाँ का कॉरिडोर ऐसा है हमारे डीएमई की ह्यूस्टन बिल्डिंग का इंटीरियर, कुछ ऐसी क्लासेस है। बढ़िया लग रहा हूँ? मस्त यार, आप तो हर वक्त बढ़िया ही लगते हो, ये कोई पूछने की बात थोड़ी होती है भाई। आज पहली बार जिंदगी में पढ़ने का मजा आया, क्योंकि कुछ समझ आया। क्लास बड़ी जल्दी खत्म हो गई यार, मेरे को लग रहा था कम से कम 12 बजे तक चलेगी, भाई 10:30 बजे खत्म होगी, 1.5 घंटे भी नहीं चली, मतलब 1.5 घंटे ही चली। ये अर्जुन, ये यहाँ का बॉर्न है बट है इंडियन है, ठीक है, इसको समझ कुछ नहीं आता। Do you understand what I'm saying? No. It's not getting it, but I'm saying. Now my English is very improving day by day. Yeah, day by day. I improved better than you. ये इंडियन रेस्टोरेंट है, देसी स्ट्रीट फूड अच्छा यार। समोसे वमोसे बड़े अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा महंगा है, अच्छा लेकिन ठीक है। मेरे को चाहिए थी भाई हार्ड डिस्क, मेरा काम नहीं बन रहा भाई, स्टोरेज का इशू पड़ रहा है, व्लॉग्स वगैरह कैसे एडिट करूँगा हार्ड डिस्क की होगी। तो फिलहाल हार्ड डिस्क देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ये सेकेंड हैंड शॉप्स हैं, मतलब सेकेंड हैंड शॉप है, यहाँ पे हम सेकेंड हैंड चीज़ें ले सकते हो, ब्रांड न्यू चीज़ें भी यहाँ पे मिल जाती हैं। ये देखो ये गोप्रो वगैरह सब है यहाँ पे, कैमराज मिल जाएंगे, माइक्स वगैरह, लेंस देखो, 60,000 रुपये का लेंस है ये, ठीक है भाई। कौन कहता है कि नोके नहीं मिलता आज गेट में, यहाँ पे मिलता है यूके में। चलते हैं, बाय 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 अर्जुन, यू गाइस 1047 दे सेड व्हिच वॉक वे यू गो, दे गोइंग द सेम वे, ओह लेट्स गो, विल ड्रॉप यू, ओके बाय भाई जी। बीएगा तो हो गया काम, जिस मेन काम के लिए आए थे वो तो हुआ नहीं, लेकिन इसका इंश्योरेंस तो चलो हमने बंद करा दिया, फालतू के जो 4 पाउंड जा रहे थे वो हो गए बंद, अब नहीं जाएंगे उसके लिए भाई। तो भाई मैं स्पीकर लेने के लिए आया था, मेरे को 2 चीज़ें चाहिए थी मेन, एक स्पीकर और एक मेरे को हार्ड डिस्क चाहिए थी, मतलब वो SSD मैकबुक के लिए, ठीक है। तो मैं आया शॉप पे, शॉप देख लो भाई, आई मोबाइल करके शॉप है, मैं जूम करके दिखा रहा था, ठीक है। ये लेस्टर सिटी सेंटर में शॉप है और हमारे इंडियन भाई की दुकान है, हैदराबादी भी हमारे, ठीक है, यहाँ पे आओ, ठीक है, और अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा, आप चाहे मेरा नाम ले लेना चाहे कोई सीन नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आओ। तो ये आप शॉप देख लो, अगर फिर से देख लो, यहाँ पे कुछ भी आपको केस चाहिए मोबाइल का, या वायर वगैरह कुछ भी चाहिए, या टेम्पर्ड, लाइक एनीथिंग, आप यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको अच्छी डील्स मिलेंगी और अच्छे प्राइस पे मिलेंगी, ठीक है। अभी ना थोड़े दिन पहले यहाँ पे ना झूले लगे हुए थे, मैं यहाँ पे क्लिप्स डाल दूंगा झूले की, भाई क्या ही अमेजिंग मज़ा आया उस दिन, उस दिन की क्लिप्स मैं ऐड करूंगा, देखना ठीक है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों पे कोरा ही कोरा भाई, कबूतर उड़ गए कबूतर, या ठंड लग रही है ओ भाई, मम्मी मैं लेस्टर पहुंच गया।
क्या है व्यू कैप्चर हो गया गलती से। अभी भाई हमको ये डील दिख गई है, जाते जाते भी यही खाएंगे। घर जाके खाना तो भाई हम रोज खाते हैं, दो पाउंड का ये खा लेंगे। करते कुछ नहीं ट्राई। कौन कहता है लेस्टर में लंबी बिल्डिंग नहीं है? ओ भाई लंबी बिल्डिंग छोड़ो, ये डॉगी की तरह क्यूट है यार। ये क्यूट हो यार, सारे कुत्ते अच्छे होते। चलो जी हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे स्टोर एक साथ ही हैं, तो वो आगे करीज, ठीक है, ये आगे एलडी करीज, करीज कड़ी 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 पकौड़ा इज भाई इमोशन प्यार, बट ये कड़ी कड़ी नहीं है, ये करी है। हमारे इंडिया में कौन सी कड़ी चलती है? कड़ी पकौड़ा। यहाँ पे कौन सी कड़ी चलती है? करी। यहाँ पे कड़ी नहीं चलती, यहाँ करी चलती है। यहाँ कड़ी नहीं चलती, यहाँ चलती है करीज, करीज बटे खाने वाली करीज नहीं है भाई, फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइसेस मिलते हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, यहाँ पे आओ मस्त डिस्काउंट मिलेगा आपको, मेरे नाम पे मत आना, कोई नहीं देगा। लो जी ये आ गया हमारा सिटी सेंटर का क्लॉक टावर, घंटाघर जिसको हम घंटाघर बोलते हैं प्यार से। आपको लग रहा होगा स्नो पड़ी है, कोई स्नो नहीं पड़ी है, देख लो स्नो भी पड़ेगी, ठीक है, फरवरी में पड़ेगी। अरे पड़ी थी मेरे को पता, वो बट वो इतनी ज्यादा स्नो नहीं थी, जो प्रॉपर स्नो होगी ना वो पड़ेगी फरवरी में, ठीक है। और ये अंकल है ना, ये वाला अंकल, ये हिंदी गाने गाते हैं पूरा ऐसे सैक्सोफोन लगा के, मस्त एकदम मस्त ट्यून में उनको जाते हैं अंकल। और आप ले लिया, खाते खाते घर चलते हैं। घर पहुंच के मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ आपको पैक करनी है, ध्यान देना एक एक चीज़ को, तो अच्छे से एलैबोरेट करके आपको बताऊँ। ब्रो सीरियसली पहली बार जिंदगी में देखी गाड़ी को लगते ही आग। ये किधर है फायर? अरे भाई you smoke. ये देख लो भाई आग बुझा ही दी है वैसे तो इन्होंने, कोई नहीं। तो अब मैं यूनिवर्सिटी से आके डायरेक्ट सो गया, मेरे को खुद ही नहीं पता था कि मैं सोया कब, ठीक है। तो अब जो मेन चीज जिस चीज के लिए वीडियो बन रही है, अब मैं उस पर आता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, कि भाई अब जो बच्चे आने वाले हैं जनवरी फरवरी इनटेक वाले बच्चे, ठीक है, उनको अपने बैग में क्या क्या पैक करके लेकर आना है। भाई मैंने अपने पैकिंग में बहुत सारी गलतियाँ कर दी हैं ऑलरेडी, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी वो सेम चीज़ें गलतियाँ करो, ठीक है। तो शुरू करते हैं क्लोथिंग से। मेंस की है ये, वीमेंस की वीडियो नहीं है, ये मेंस की वीडियो है, ठीक है, तो सिर्फ लड़के लड़के ही देखो, ठीक है। लड़कियाँ वो देख रही हैं जिनके बॉयफ्रेंड या फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी आने वाले हैं, तो वो देख सकते हो, अपने दोस्तों को या फ्रेंड्स को या भाइयों को रिकमेंड कर देना मेरी वीडियो, ठीक है, थैंक यू। हमारी इस वीडियो की सबसे पहली जो शुरुआत है ना, वो होने जा रही है हमारी सबसे पहली चीज़ से, और वो है भाई पूजा का सामान लेकर आओ अपने साथ, ठीक है। पूजा के सामान में आप मूर्ति लेकर आ सकते हो, उनकी फोटोग्राफ लेकर आ सकते हो, ठीक है, आप उनके लिए दिए लेके आ सकते हो, लाइक जो तो आपको लेकर आना है ना पूजा के सामान के लिए, वो आप ज़रूर लेकर आओ। मैं अपने पैकिंग ही नहीं कर पाया, जिस वजह से मैं पूजा का सामान भी नहीं लेकर आ पाया, क्योंकि कुछ इशू हो गया था किसी कारणवश, मैं अपनी फैमिली से भी नहीं मिल पाया, और किसी कारणवश मैं अपना पूजा का सामान भी नहीं ले पाया। पूजा का क्या, मैं और भी बहुत सारा सामान मेरा जम्मू में ही रह गया था, मैं किसी कारणवश मेरे को दिल्ली में रहना पड़ा, तो वो भी मैं आपको इन फ्यूचर कभी डिस्कस करूँगा कि क्या इशू हुआ था, तो वो भी मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा। स्टे ट्यून, सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो भाई ये बात है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो भाई जो टी शर्ट्स के फ़ैन है ना, मैं पहले बता दूं भाई ज़्यादा लाने कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च तक भाई बहुत तगड़ी ठंड रहेगी, इनफैक्ट मे बी फरवरी में बर्फ़ भी पड़े, ठीक है। तो टी शर्ट्स का कुछ ज़्यादा कुछ खास ट्रेंड है भी नहीं यहाँ पे, इतना लोग पहनते भी नहीं है। हाँ ओवर साइज टी शर्ट्स ला सकते हो, उसका ट्रेंड है यहाँ पे, वो लोग पहनते हैं, वो लेके आ सकते हो 3 मैक्स, उससे ज़्यादा कोई लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं शर्ट्स, फुल स्लीव शर्ट्स होती है ना, वो लेके आ सकते हो, एक ब्लैक शर्ट ले आओ और एक वाइट शर्ट ले आओ फुल स्लीव्स। तो ब्लैक शर्ट और वाइट शर्ट इसलिए भाई कि छोटे मोटे फंक्शन वगैरह अगर यूनिवर्सिटी के हो गए या इंटरव्यू देने चले गए कहीं, या लाइक अगर आपको कहीं जॉब मिल गई वहाँ पर आपको ब्लैक शर्ट या फिर वाइट शर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो पहन सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं जैकेट्स की, ठीक है। अगर आपके पास पफर जैकेट है तो भाई एक पफर जैकेट भी बहुत है, या तो 2 मैक्स, 2 से ज़्यादा नहीं लाना। फिर उसके बाद जो नॉर्मल जैकेट होते हैं, जैसे ये नॉर्मल होगी वैसे आप 3 से 4 लेके आ सकते हो, ठीक है। फिर जो इनर्स होगी, इनर तो कम से कम 2 तो लेकर आओ यार, कि अगर ज़्यादा ठंड होगी अगर आपको धोने के लिए रखनी हुई तो आप 1 धोने के लिए रख दो, एक आपने पहनी हो, है ना, सेफ्टी भाई कुछ पता नहीं होता, ठीक है। हाँ फिर उसके बाद ट्राउजर्स की बात करते हैं, जो मेन जो बेसिक पजामे वगैरह होते हैं, ठीक है, 4 से 5 पजामे बहुत है, ठीक है, मैक्स 5, ठीक है।
फिर उसके बाद अगर हम बात करें जो हुड होती है नॉर्मल हुड, ठीक है, वो आप ले आओ, 3 से 4 काफ़ी हैं। ठीक है, मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट रेंज बता रहा हूँ कि इससे ज़्यादा नहीं लाना और इससे कम नहीं लाना। इससे कम फिर डिपेंड करता है आप पे कि आप किस हिसाब से कपड़े पहनते हो या किस हिसाब से आप कपड़े वगैरह धोते हो। क्योंकि मेरा ऐसा है कि यहाँ पे ना लाइक अगर आप नहा धो लेते हो ना तो अब यहाँ पे कहीं आप टांग तो सकते नहीं हो अपने कपड़े, है ना। तो फिर मेरे को लाइक पे हफ्ते के इकट्ठे कपड़े रखूँगा, एक बास्केट में रखूँगा, फिर उसके एक हफ्ते के बाद मैं कपड़े धो लूँगा। ऐसा नहीं कि हर हफ्ते धोता हूँ, लाइक 10 दिन में या 12 दिन में एक बार धो दिया ऐसा होता है। तो फिर उसके बाद हो गए जो जिपर, 2 जिपर्स लेके आ सकते हो अपने साथ, ठीक है। फिर जो हैंड टॉल हो गया, 2 हैंड टॉल ले आओ, और जो नॉर्मल टॉल होते हैं बाथिंग वाले, जो बेसिक बड़े वाले होते हैं, वो भी 2 लेकर आ जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरगारमेंट आ गए, तो भाई जब मैं आया था तो मैंने तो 7-7 अंडरगारमेंट रखे थे भाई। जो अंडरशर्ट होती है वो भी मैंने करीब 5 से 6 लेकर आया था, अंडरवेयर में करीब 7-8 लेकर आ गया, ठीक है। मुझे भाई मेरे को बताया नहीं किसी ने, मैं तो ले आया उठा के, इस हिसाब से 5 काफ़ी, 5-6 काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो सॉक्सेस होगी, 6 से 7 या 8 पेयर सॉक्स लेकर आओ, और जिनमें से एटलीस्ट 3 से 4 जो होनी चाहिए वो गर्म होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आके फॉर्मल शूज़ लेकर आ जाओ। कुछ पता नहीं होता कि भाई कहीं पार्टी वार्टी चले गए या इंटरव्यू पे चले गए या लाइक अगर वेटर की जॉब करनी पड़ गई तो भाई पहनने पड़ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्पोर्ट शूज़, एक फॉर्मल शूज़ हो गया, एक स्पोर्ट शूज़ हो गया, और एक कैजुअल वेयरिंग वाला हो गया, ठीक है। और मेरे हिसाब से यार 4 शूज़ लेकर आओ कम से कम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शूज़ मिलते नहीं हैं, शूज़ मिल जाते हैं, बट 3 से 4 पेयर ऑफ शूज़ इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। एक फॉर्मल शूज़ तो आप लेकर आओ, ठीक है, दूसरा कैजुअल वेयरिंग के लिए, और तीसरा हो गया आपका स्पोर्ट शूज़, और एक अपने साथ स्लीपर लेकर आ जाओ, ठीक है, चप्पल आके नॉर्मल, ठीक है, जो आप घर पे पहन रहे हो या बाहर जो पहन रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप स्वेट शर्ट्स भी लेकर आ सकते हो, 3 स्वेट शर्ट्स काफ़ी हैं, ठीक है। और ठंड से बचने के लिए ग्लव्स भी लेकर आ जाओ, 2 पेयर ऑफ ग्लव्स इज़ मोर देन इनफ, एक दो काफ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप मफलर लेके आते हो तो 1 मफलर भी काफ़ी है। कुछ छूट तो नहीं गया कपड़ों में, और कुछ रह गया क्या? ट्रेडिशनल, हाँ, अगर लाइक दिवाली आ गई, होली आ गई, इंडियन कोई फेस्टिवल आ गया, तो उस हिसाब से भी आप ट्रेडिशनल में भी 1 से 2 कपड़े लेके आ सकते हो, ठीक है। और अगर आप फॉर्मल्स की बात करो तो फिर आप 1 कोट, 1 पैंट, और लाइक जो फॉर्मल ड्रेस होती है 1 फॉर्मल ड्रेस पूरी प्रॉपर लेकर आ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर जो फॉर्मल ड्रेस होती है वो या तो इंटरव्यू देने के काम आएगी या तो फिर आप वेटर के काम आएगी, इसके अलावा आपकी फॉर्मल ड्रेस और कहीं काम नहीं आने वाली है। तो हम आगे बढ़ते हैं एसेसरीज़ की तरफ, ठीक है, कि आप एसेसरीज़ में क्या क्या लेकर आ सकते हो, ठीक है। भाई वॉलेट तो ले आओ आप, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कार्ड का बहुत है भाई, बहुत कार्ड का इशू है। अगर आप फिज़िकल कार्ड ले लेके घूमते हो तो भाई आप वॉलेट लेकर आओ। अगर आप फिज़िकल कार्ड का कोई इशू नहीं है, जैसे मेरा है, मेरे को कोई कार्ड वार्ड इकट्ठे करने का कोई शौक नहीं है, तो मैं अपने फ़ोन में ही सारे सारे कार्ड्स रखता हूँ एप्पल पे में, तो मैं वहीं से वॉलेट से ही सारे सारे कार्ड वगैरह जितने भी एक्सेस कर लेता हूँ। बट हाँ, अगर वॉलेट की ज़रूरत है, आपको लगता है कि आप ज़्यादा कैश कैरी करते हो, तो आप वॉलेट लेकर आ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपके जो हेडफोन्स हो गए, हेडफोन्स तो भाई बिना हेडफोन्स के तो भाई आज की डेट में तो भाई जी नहीं सकता कोई इंसान, ठीक है। फिर उसके बाद फ़ोन के जो चार्जिंग केबल्स होते हैं, USB केबल्स एक्स्ट्रा ले आओ। फिर उसके बाद आपका, और हाँ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना भाई, वो है ट्रैवल अडैप्टर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी ट्रैवल कर रहे हो ना भाई, आपके कोई भी चार्जर आपकी काम ही नहीं करेंगे अगर आपका ट्रैवल अडैप्टर नहीं होगा, तो उसका ध्यान रखना भाई। मैं तो कह रहा हूँ 2 लेकर आओ कम से कम। इंडिया में तो भाई सस्ते मिलते हैं, यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंसिव है, बट हाँ इतने भी एक्सपेंसिव नहीं है। आई गेस 3.5 पाउंड तक का एक मिल जाता है, मतलब 350 का एक मिल जाता है, 350-400 रुपये का यहाँ के हिसाब से, ठीक है। तो वो मेरे हिसाब से इंडिया से ही 2 लेकर आ जाओ, काफ़ी अच्छा चल जाएगा, काफ़ी टाइम चल जाएगा, मेरा अभी तक चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जो चार्जर अडेप्टर्स होते हैं ना, वो आप ले आओ 1 से 2 काफ़ी है। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो भाई 1 ही अडेप्टर काफ़ी है। अगर आप कैप वैप पहनते हो तो कैप ले आओ भाई, कैप का काफ़ी ट्रेंड है, यहाँ पे लोग काफ़ी कैप्स पहनते हैं। और चेन्स वगैरह होगी, वॉचेस वगैरह होगी। फिर उसके बाद हाँ, पावर बैंक भी अपने साथ ज़रूर लेकर आना भाई, कोई पता नहीं होता कि अगर आप लाइक अगर आप फ्लाइट से उतरते हो आप कहाँ प्लग वगैरह ढूंढते फिरोगे, ठीक है, तो आप पावर बैंक से फ़ोन चार्ज कर सकते हो। बाई चांस ऐसा होगा कि आप ट्रैवल अडेप्टर लाना ही भूल गए, ठीक है, तो अपने पावर बैंक से चार्ज कर लेना भाई, कुछ भी हो सकता है यार, अनसर्टेनिटी कैसी भी हो सकती है, कुछ नहीं पता होता। तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, जो आपकी मेडिसिंस हैं, ठीक है, मेडिसिंस तो भाई भर के ले आओ, कोई सीन नहीं है। यहाँ पे पता क्या होगा, सिर दर्द है, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, कुछ भी है, मैं कह रहा हूँ XYZ कुछ भी रीज़न है ना, आपको एक ही टैबलेट देंगे, पता कौन सी, पैरासिटामोल, ठीक है। वो भी एक 500 mg की देते हैं, 500 mg की, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हैवी डोज हो जाती है। कुछ भी हो गया, आपको प्रॉब्लम होगी, तो भाई आपको पैरासिटामोल पकड़ा देंगे,
तो मेरे हिसाब से इट्स नॉट ए गुड डील, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूँ भाई अपना साल दो साल का स्टॉक इकट्ठा ले आओ, कोई सीन नहीं, दवाइयाँ वगैरह नहीं खराब होती हैं, ठीक है, ले आओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन वगैरह बनानी है तो इतना कुछ खास लंबा चौड़ा होता ही नहीं है, मैं सच बताऊँ। जब मैं एयरपोर्ट से आया ना, कोई उन्होंने मेडिसिन का तो उन्होंने पूछा ही नहीं, मुझे लगा कि भाई ऐसे प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन लेके जाऊँगा उनके पास कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कुछ थी ही नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम हो, मैं तो कह रहा हूँ वो पूछेंगे भी नहीं आपसे कि आप मेडिसिन कौन कौन सी लिया आपने कुछ। अगर वो बाई चांस पूछ भी लेते तो आप बिल दिखा सकते हो कि आपने खरीद के लाई हैं, इतना पूछते तो नहीं है, मैं सच बताऊँ तो। तो आप हाँ बेसिक दवाइयाँ आप सारी ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ आप अगर आपको बुखार की अगर आप एक पैकेट ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ भाई दो या तीन ले आओ, कोई इशू नहीं है, नहीं ख़राब होती दवाइयाँ भाई, आप लेकर रख लो, चाहे कुछ भी होगा भाई पता नहीं होता, अनसर्टेनिटी यार मैं कह रहा हूँ ना कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको नहीं आपके दोस्त को हो जाए या कहीं आगे पीछे वाले को हो जाए, मैं तो नहीं कह रहा कि हो, बट यहाँ पे वेदर ऐसा है कि भाई होने पे मजबूर हो जाता है इंसान, पता नहीं चलता कब गला ख़राब हो गया, कब बुखार हो गया, कुछ नहीं पता चलता। यहाँ पे बारिश कब आ जाए नहीं पता लगता, बारिश कब आ जाएगी और ठंड कब हो जाएगी, धूप कब निकले, कुछ किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई अपनी प्रिपरेशन अपने से कर कर आओ, आप मेडिसिन आप ठीक ठाक लेकर आओ। मैंने गलती ये की कि मैं ना मेडिसिन कम लाया था, तो अब मेरे को यहाँ पे आके खरीदनी पड़ रही हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे इनकी दवाइयाँ सारी खा रहा हूँ, बट मैं कम एमजीज वाली खुद खरीदता हूँ अलग से, तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं, तो बट अब क्या कर सकते हैं भाई, ज़्यादा एमजी वाली भी नहीं खानी, ख़राब भी लग जाती हैं दवाइयाँ ज़्यादा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फूड आइटम्स भाई मैगी के पैकेट भर के लाओ, कोई सीन नहीं है, मैगी रहने दो, मेरे हिसाब से मैगी रहने दो। अगर लाइक आपके पास कोई इंडियन ग्रॉसरी स्टोर नहीं है तो मैं तो कह रहा हूँ भाई आप मैगी ना भर के ले आओ, कोई सीन नहीं है, ठीक है। और मेरे तो यहाँ पे फैल्कन है, तो मेरे को एक पाउंड की 5 मैगी के पैकेट मिल जाते हैं, बट अगर आपको आसपास के फैल्कन नहीं है या फिर लाइक कोई इंडियन ग्रॉसरी स्टोर नहीं है, तो मैं तो कह रहा हूँ मैगी भर के ले आओ। और स्नैक्स में जितने भी मिक्सर्स वगैरह आते हैं ना वही भर के ले आओ, यहाँ पर थोड़े महंगे हैं, ठीक है। अपना महीना दो महीने का स्टॉक इकट्ठा ले आओ, नहीं ख़राब होता भाई, भर के लाओ, कोई सीन नहीं है, ठीक है। फिर अपना और हाँ अपने दाल वाल भी लेके आ सकते हो, मैं खुद लेकर आया था, मैं दलिया लेके आया था, मैं दाल लेके आया था भाई, भर के मैं कम से कम 10 किलो का यही सामान लाया था, दाल मसाले फिर अपना जो बेसिक आइटम्स होते हैं ना फूड आइटम्स, मैं वही भर के ले आया था। क्योंकि मेरे को नहीं पता था कि भाई शुरू के 10-15 दिन 20 दिन मेरे को कौन सा ग्रॉसरी स्टोर मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा, मैं भाई भर के ले आया सामान कि भाई पेट भर के खाऊंगा, अगले को भी खिलाऊंगा। खाना तो भाई ऑब्वियसली वेस्ट नहीं जाता, ठीक है, किसी ना किसी का तो पेट भर ही जाएगा ना, चाहे कोई सीन है ही नहीं भाई, भर के लाओ खाना। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने यूटेंसिल्स की तरफ, ठीक है भाई। बर्तन सबसे मेन चीज़ है भाई, बर्तन। अगर आपको मैं कह रहा हूँ अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ करते हो ना, तो भाई इंडिया से लेकर आओ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई बड़ा ही लाओ, 4 लीटर वाला मिनिमम लेकर आओ। क्योंकि भाई आप सोचते हो कि 2-3 लीटर से आपका काम चल जाएगा, बट आप यहाँ पर जब आप मूव करते हो ना, आप अकेले नहीं होते हो, आपके साथ आपके दोस्त आ जाएंगे, ठीक है, आपके दोस्त आ जाएगा या आपके कोई फ्रेंड या मतलब लाइक आपके दोस्त आ जाएंगे ना, तो आपको ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा खाना बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई मैं आपको लग रहा होगा कि थोड़े से काम बन जाएगा कुकर का, बट हाँ नहीं भाई, बट बिल्कुल नहीं भाई, आपको कुकर थोड़ा बड़ा ही लाना पड़ेगा, 4 लीटर का इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। 4 लीटर का कुकर ले आओ, यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है, 3,500-4,000 आपके कुकर में चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक प्रेशर कुकर ले आओ, अच्छी क्वालिटी का लाना, हॉकिंस या प्रेस्टीज जो भी है इन सब का ले आओ, बहुत अच्छी क्वालिटी का लाना, ऐसे नहीं कोई भी ले आए। एक तवा जिस पे हम रोटी सेकेंगे, दूसरा आ गया हमारा फ्राई पैन ले आओ, 2 गिलास ले आओ नॉर्मल, और 2 बोल ले आओ, 2 कोलियाँ होगी, फिर अपने 2 प्लेट्स ले आओ, हाँ एक कड़छी वगैरह ले आओ, फिर मसालादानी होती ना, मसालादानी भाई मैं तो कह रहा ज़रूरी लेके आना, वरना ऐसे छोटे छोटे डिब्बे भाई यहाँ पे बहुत महंगे मिलते हैं, एक आराम से एक मस्त सा एक मसाला वाला मसालादानी ले आना, एक मस्त सी इंडिया में 70-80 रुपये की 100 रुपये की मिलेगी, वो ले आओ, एक मस्त काम चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर उसके बाद एक चाकू आप लेकर आ सकते हो, बट चाकू आप पता कौन सा लाना, वो जो पैक्ड होता है प्रॉपर सील्ड होता है वो, ठीक है, पूरा ऐसे पैकिंग में आता है वो वाला लाना, ऐसा नहीं कोई इतना बड़ा सा लेके आ गए, वो अलाउड नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हमारे हाँ जो राइस स्ट्रेनर होता है, जो हम चावल बनाते हैं तो उसको हम रखते हैं ना ऐसे, वो छन्नी सी होती है, उसके बीच में चावल डालते हैं ताकि चावल अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, एक वो इंडिया से ले आना, यहाँ पे मिल जाता है बट वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट हाँ यहाँ से भी ले सकते हो, इंडिया से भी ला सकते हो, बट यार ले आओ इंडिया से यार, कहाँ यहाँ पर ढूंढते रहोगे, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आटा वाला छाननी होती है, वो भी लेके आ सकते हो, वरना नहीं तो यहाँ पर जो आटा होता है ना वो अच्छी क्वालिटी का ही होता है, ज़रूरत तो पड़ती नहीं, बट हाँ अगर किसी के मन में डाउट रह जाए तो भाई आटा से छान ले, ठीक है। फिर एक बेलना ले आओ, जो आटा जिससे चपाती बनाते हैं, चपाती वाला बेलना तो पता ही होगा, पंजाबी में बेलना बोलते हैं,
हम डोगरे भाई बेलना बोलते हैं, ठीक है। तो चम्मच वम्मच ले आओ, फोक्स ले आओ, ठीक है। कंटेनर्स वगैरह भी लेके आ सकते हो जिसमें आप सामान वगैरह डाल लो। आप पता ही करना, मसाले वसाले लेना, कुकर वगैरह में डाल लेना, बर्तन बर्तनों में ही मसाले घुसा लेना, ठीक है। पैकिंग की बहुत जगह बच जाती है। लास्ट में ना एक प्रो टिप दूंगा सबको, ठीक है। प्रो टिप के लिए भाई लास्ट तक देखना, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रो टिप होने वाली है आपके लिए, लास्ट तक बने रहना, ठीक है। फिर आप चपाती वगैरह बनाते हो ना तो कैसेरोल बताना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में यार, वो जो होता है, मैं दिखा देता हूँ, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, हॉट केस बोलते ना, अरे हाँ उसको हॉट केस भी बोलते हैं यार, ये यार ये इसको बोलते हैं कैसेरोल, ठीक है। ये ले आना, और कुछ भूल रहा हूँ तो मैं भाई, और हाँ यार मैं तो सॉरी भाई सॉरी, एक चीज़ तो मैं बड़ी ज़्यादा ज़रूरी बताना ही भूल गया भाई, मैं इंडियन होके कैसे भूल रहा हूँ ये चीज़ भाई, जो चाय पुनी होती है ना भाई, वो तो ज़रूर लेके आना भाई। कैसे गुजारा करोगे भाई बिना चाय के, कैसे गुजारा होगा यहाँ पे, वो बात अलग है, मैं चाय नहीं पीता, बट हाँ जितने भी मैंने लोग यहाँ पे देखे ना जो चाय से एडिक्टेड है भाई, माँ कसम मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैं दिन में चार चार बार चाय बनाता हूँ, बताएं खुद, मैं एक टाइम पीऊँगा या मैं पीऊँगा ही नहीं, या मैं नॉर्मल दूध पी लूँगा, बट भाई चार चार टाइम चाय बनानी पड़ जाती है यहाँ पे। तो चाय पुनी भाई लेकर आना, जो भी चाय ले बने तो भाई चाय पुनी जिंदाबाद, ठीक है, लेकर आओ, ठीक है। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपने सेल्फ केयर रूटीन पे, ठीक है। सेल्फ केयर रूटीन पे बढ़ते हैं, मेरे को नहीं पता सेल्फ केयर रूटीन बोलते क्या बोलते भाई, हम मर्दों को नहीं पता होता भाई, सीधा जो आप समझ जाओगे जो भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो बाथरूम में भाई हम हैंड वॉश यूज़ करते हैं ना भाई, वो रखना अपने पास, ठीक है, पहली बात। दूसरा आ गया, हैंड वॉश लेकर आ सकते हो, छोटा लिक्विड वाला लेके आओ, कोई इशू नहीं है, साबुन भी यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना आ गया शैम्पू, आ गया कंडीशनर, आ गया बेसिक लेकर आओ, कोई इशू नहीं है। ऑयल भी आप लेके आ सकते हो, छोटा लाना, ज़्यादा बड़ा लाने की कोई जरूरत नहीं है, छोटा ऑयल ही अलाउड होता है, वरना ऑयल आप बड़ा भी लेके आ सकते हो, बट सीन ये है कि यार कहीं टूट फूट गया बैग में तो भाई पूरा बैग खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऑयल ले आओ, छोटा ले आओ, मस्त है, ठीक है। फिर उसके बाद अपने सोप वोप ले आओ, फिर अपना लिप बाम अगर लगाते हो भाई, यहाँ पे होंठ बड़े फटते हैं भाई, सर्दियाँ चलने वाली हैं, आपको पता ही है जनवरी फरवरी का, फिर बर्फ़ पड़ेगी, पूरे होंठ फट जाएंगे भाई, समझ रहे हो ना, तो लिप बाम लेकर आओ, ठीक है। तो फिर अपना क्रीम व्रीम ले आओ, जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करते हैं लड़के, कोई करते हैं, मैं तो वही नहीं करता, क्रीम लगा लेते हैं बेसिक सी, तो वो क्रीम व्रीम ले आओ और मॉइस्चराइज़र ले आओ। फिर अपना फेस वॉश लेके आ सकते हो, टूथपेस्ट लेके आओ, टूथब्रश लेके आओ, ठीक है। फिर वैसलिन वैसलिन जो होती है वो ले आओ। फिर अपना जो कंघा होता है, रोलर वगैरह या कॉम्ब होते हैं, वो ले आओ। फिर उसका ड्रायर अगर है तो ले आओ, नहीं है तो यहाँ पे आके लेना, सस्ता है यहाँ पे, 7-8-9 pounds के 10 pounds तक का मिल जाता है, बड़ा अच्छा मिल जाता है, B&M से ले लेना, मस्त एकदम सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर प्रेस है, आयरन जिसको बोलते हैं, मैं तो प्रेस ही बोलता हूँ, ठीक है, अगर वो पड़ी है तो ले आओ, एक्स्ट्रा खरीदने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पे मिल जाती है सस्ती, सच बताऊँ तो काम आएगी ही नहीं सही में, बहुत रेयर होगा कि आपके काम आएगी प्रेस, वरना नहीं आने वाली, ज़्यादातर तो नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ट्रिमर पे, ट्रिमर है तो ले आओ, वरना यहाँ पे भी सस्ता मिलता है, टेमू से ऑर्डर कर लेना, बहुत सस्ता मिलेगा, अगर वहाँ से भी नहीं करना हो तो B&M से जाके ले लेना, 10-15 pounds का ट्रिमर बहुत अच्छा मिल जाता है, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परफ्यूम ले आओ, परफ्यूम लेके आ सकते हो, 2-3 bottles ले आओ, कोई नहीं, मस्त एकदम अच्छी सी, बट हाँ यहाँ पे भी अच्छी सस्ती परफ्यूम्स मिल जाती है, ज़ारा की भी लेनी हो ना, और 20 pounds की ना ज़ारा की 2 perfumes मिलती है, उठा लो, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपने सेल्फ केयर रूटीन में, तो इसको यही बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं इसको क्या नाम दूँ, तो मैं इसको यही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपना भाई एक्स्ट्राज में, जो आपको एक्स्ट्रा सामान जो आपका है अगर ज़रूरत पड़ जाए तो, मतलब ऐसा ये वाला ऐसा है कि अनसिटनेटिव, अगर क्या पता बाई चांस ज़रूरत पड़ गई वैसा वाला सामान, ठीक है। पहला आ गया उसमें भाई स्टेपलर, ठीक है, स्टेपलर भी ले आओ, स्टेपलर पिंस भी ले आओ, काम आ ही जाती हैं वैसे, पता नहीं होता, ठीक है। पंचिंग मशीन जो होती है, पेज पंच करती है जो, वो भी लेके आ सकते हो। फिर अपने हाँ वो अपने हैंगर जो होते हैं, ठीक है, हैंगर ले आओ, हैंगर काफ़ी काम की चीज़ है भाई, हैंगर किसी किसी अकोमोडेशन में देते हैं, किसी में नहीं देते हैं, मेरी वाली में तो नहीं दिए थे, बट हाँ हैंगिंग करने के लिए जगह दी थी, बट हैंगर्स नहीं दिए थे, ठीक है। वो ले आओ, बेडशीट्स ले आओ, बेडशीट्स कम से कम तो 2 लेके आओ, मैक्सिमम 3 ले आओ, 3 से ज़्यादा नहीं, सस्ती मिलती हैं यहाँ पर, अच्छी मिल जाती हैं काफ़ी सारी, ठीक है। फिर अपने साथ एक ब्लैंकेट तो भाई लेकर आओ भाई, ठंड तगड़ी ठंड होएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, एक तो ब्लैंकेट लेके आओ अपने साथ, ठीक है, वरना यहाँ पे आके लोग हैं, यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव है, बट भाई अगर एक्सपेंसिव भी है ना तो वो क्वालिटी नहीं है जैसे इंडिया में, इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल जाती है, और जो ब्लैंकेट का कवर होता है वो भी ले आओ एक, ठीक है। फिर उसके बाद अपना टिफिन बॉक्स ले आओ, अम्ब्रेला तो भाई याद से लेके आना, कब बारिश हो जाए कुछ नहीं पता होता, अगर अम्ब्रेला लेके आ रहे हो अम्ब्रेला ले आओ, या तो रेनकोट पूरा प्रॉपर लाना, तो रेनकोट होता वो भी लेके आ सकते हैं, जो पूरा सूट होता है वो भी ले आ सकते हो, ठीक है। फिर या तो फिर वाटरप्रूफ जैकेट ले आओ, यहाँ पे मिल जाती है वैसे तो प्राइमार्क से 12-13-15 pounds की मिल जाती है, प्राइमार्क से वाटरप्रूफ जैकेट, तो आप वो भी ले सकते हो, अच्छी है, मस्त है, मैं खुद ली हुई है यार, ठीक है।
फिर उसके बाद अपनी फेविक क्यूक ले भाई, पता ही है ना फिर तू कभी काम आ जाए, कुछ टूट फूट गया पता थोड़ी होता है, लगा लेना फेविक क्यूक भी ठीक है। फिर अपना भाई सबसे एक और बड़ी ज़रूरी चीज़ भाई टेबल फ़ैन, गर्मी इतनी गर्मी लगती है ना कभी कभी, पता क्या होगा अभी तो नहीं लगेगी, 2-3 महीने 4 महीने या 5 महीने गर्मी वगैरह पड़ने शुरू हो जाएगी ना, तो क्या होता है कमरे में ना ह्यूमिडिटी हो जाती है, गर्मी बड़ी लगती है क्योंकि यहाँ पर ना ये जो है ना खिड़की है खुलती नहीं है, दिखाऊं ये देखो ये खिड़की खुली हुई है पता है, ये बंद है ये खुली हुई है, तो आप हिसाब लगा ही लो कि भाई कितनी खिड़की खुलने वाली है, तो उस हिसाब से टेबल फैन ले आना क्योंकि भाई गर्मी पड़ जाती है, छोटा इतना सा ले आना यार काम चल जाता उससे भी ठीक है, अपनी एक गर्म पट्टी होगी ठीक है, तो उसके जो मूव होती है मूव स्प्रे या फिर जो झंडू वाम है भाई वो भी ले आओ अच्छा, ताकि भाई दर्द वर्द हो जाए तो कभी पता नहीं होता ना, तो वो ले आना ठीक है। फिर बाम शाम जो होते हैं वो सब लेके आ सकते हो, तो आपके जो एल्बो सपोर्टर्स होते हैं या जो नी सपोर्टर्स होते हैं ये जो मेन जो जिम वाले लोग हैं भाई वो तो इस चीज़ का ध्यान रखना, लेकर आ रहे हो तो अगर आपके पास ऑलरेडी है तो ले आओ, वरना आप टेमू से ऑर्डर कर लेना, टेमू में आपको टेमू मतलब एक एप्लीकेशन है जैसे हमारे इंडिया में फ्लिपकार्ट अमेजोन होता है ना, वो तो चलो वो तो काफ़ी तगड़े लेवल के ब्रांड्स हो गए, यहाँ पर काइंड ऑफ मतलब टेमू भी लगा लो काफ़ी तगड़ा ब्रांड ही है, बट उस लेवल का मतलब क्या बोले वैरायटी नहीं है उस लेवल की जिस लेवल की फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे है, तो मतलब लगा लो ये चाइनीज़ टाइप है ये जो भी होता है ना वैसा है टेमू ठीक है, तो आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, आपको बहुत ही सस्ती डील्स मिल जाएंगी आपको इसमें। फिर उसके बाद अपनी आगे भाई गर्म टोपी ठीक है, गर्म हैट भाई ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ दो ले आना, एक अगर गंदी हो जाए धोने के लिए रख दे तो दूसरी पहन ली ठीक है, दो ले आना ठीक है। फिर उसके बाद अपना आ गया जो यहाँ पे भाई बहुत महंगी है, कॉपी और एक पेन ठीक है, आपको भाई लग रहा होगा मजाक कर रहा हूँ, आप आना और खुद देख लेना कॉपी और पेन यहाँ पे कितना मुश्किल से मिलता है, ये जो कॉपी है जो मैंने खुद अपने हाथ में पकड़ी हुई है इस वक्त मैं दिखा देता हूँ, ये वाली भाई ये कम से कम 2 पाउंड की है, ये इतनी सी 1.5-2 पाउंड की इतनी सी कॉपी है, तो समझ लो भाई कितना डिफरेंस है यहाँ पर इंडिया में ठीक है, तो कॉपी वॉपी ले आओ एक एक दो दो ले आओ बहुत है भाई काम चल जाता है इतना, वैसे यहाँ पे कॉपी और पेन वाला ट्रेंड है नहीं, बट हाँ किसी किसी को होता है नोट्स वगैरह बनाने की आदत तो मेरे को है, तो आप लेकर आ सकते हो यहाँ पे, फिर आपको 1.5-2 पाउंड 3 पाउंड खर्चने पड़ेंगे फालतू के, तो आप इंडिया से एक दो ले आओ ताकि कुछ टाइम निकल जाए, जो पैसे वैसे आएंगे तो खरीद लेना ठीक है। तो फिर काफ़ी सब चीज़ें तो हो चुकी हुई हैं ठीक है, तो अब बात आते हैं भाई जिनकी आँखें ख़राब है, जिनको स्पेक्स लगी हुई है ना भाई, मैं तो कह रहा हूँ एक एक या दो दो स्पेक्स अपने साथ लेकर आना, जो आपके लेंसेज हैं भाई मैं कह रहा हूँ बहुत तगड़ा खर्चा हो जाएगा अगर गलती से टूट गया, तो कम से कम 100 पाउंड का आपका एक चश्मा बनेगा, 100 पाउंड मीन 10,000 रुपये एवरेज कह रहा हूँ एवरेज, तो समझ लो कि आपको एक से दो तो आपको लेके आने पड़ेंगे ठीक है, वरना इंडिया से मंगाते फिरोगे अगर रास्ते में फिर टूट गया फिर भाई समझ रहे हो ना लंबा प्रोसेस हो जाएगा बड़ा गंदा, तो मैं कह रहा हूँ भाई 2 चश्मे अपने साथ लेके आओ ठीक है। फिर अपना नेल कटर भी लेके आ सकते हो अपने साथ, और हाँ अपने पाउडर भी लेके आ सकते हो जो आप नॉर्मल यूज़ करते हो। हाँ तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आ रहे हो, लाइक अगर आप चाह रहे हो कि आप यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लो, फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप नहीं है या आपके पास फ़ोन नहीं है या दोनों है या दोनों ही है भाई ऑब्वियसली एक चीज़ तो होगी आपके पास ठीक है, तो अगर आप प्लान बना रहे हो इंडिया में लेने का, तो अगर आपको इंडिया में कोई अच्छी डील मिल रही है तो ले लो, अगर आपको कोई अगर आप कन्फ्यूज हो कि आप यहाँ पे आके लो वहाँ पे आके लो, तो वो कन्फ्यूजन को दूर रखो भाई, अगर आपको अच्छी डील इंडिया में मिल रही है ग्रैब करो ले आओ, अगर नहीं मिल रही है तो यहाँ पे आके लो भाई, यहाँ पे बहुत अच्छी डील मिल जाती है, चाहे आप करीज़ में जाके लो, करीज़ काफ़ी अच्छा एक ब्रांड है जो यहाँ पे आपको हर एक डिवाइस देता है, फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन से लेके फ़ोन लैपटॉप टीवी एवरीथिंग देगा वो आपको डिवाइसेस में इलेक्ट्रॉनिक्स में, और बीच बीच में सेल वगैरह भी लगती हैं, तो करीज़ में काफ़ी अच्छी सेल्स लगती हैं वहाँ पर जाके भी ले सकते हो, वरना यहाँ पे आप डायरेक्ट एप्पल स्टोर जाओ वहीं से बाय कर लो। अब आ जाते हैं हम भाई जिम वाले जो बंदे अपने स्पेशली जो जिम वाले लोग हैं अपने ठीक है, उनका क्या हिसाब किताब है यहाँ पे मैं उनका बताता हूँ। पहली बात तो भाई टाइम निकल जाता है जिम में मारने का ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आप टाइम अपने लिए निकालते हो कि नहीं निकालते हो, तो भाई मैं अपने लिए टाइम निकालता हूँ जिम के लिए, अपने फिजिक को अपने आप को टाइम देता हूँ ताकि मैं फिट रहूँ, अगर आप भाई हेल्थ है तो वेल्थ है, काम करने लायक बनोगे तो काम करोगे ना, अच्छी फिजिक चलो फिजिक तो मारो बोला भाई फिट रहो एटलीस्ट ठीक है, अच्छा खाओ अच्छा फिट रहो और क्या चाहिए ठीक है। तो भाई जिम वाले जो लोग जिम एडिक्टेड है मेरी तरह ठीक है, तो भाई पहले बता दूं यहाँ पे जिम में उनका सामान सही है, नहीं है महंगा ठीक है, और क्रिटेन व्रिटेन आप इंडिया से ले आओ, मैं तो कह रहा हूँ भाई इंडिया से मत लाओ, क्या पता मैं ये नहीं कह रहा कि पकड़ सकते हैं आपको, बट हाँ चेकिंग वैकिंग हो सकती है आपकी एयरपोर्ट पे कि आप भाई ये क्या ड्रग लेके आ रहे हो क्या, तो भाई क्रिटेन व्रिटेन यहीं से आके ले लेना, वहाँ आप वे प्रोटीन वगैरह लेके आ सकते हो लाना तो मर्ज़ी आपकी, वरना यहाँ पे अच्छी डील मिल जाती है, माई प्रोटीन पे रहो, माई प्रोटीन यहाँ का ब्रांड है, माई प्रोटीन पे जाओ यहाँ का एक ऐप है ऑनलाइन मिल जाएगा आपको, माई प्रोटीन पे जाओ
वहाँ पे वो क्रिटेन वे प्रोटीन आइसोलेट जो आपको चाहिए ना, फिर अपना जितने भी सप्लीमेंटेशन है काफ़ी अच्छे रीजनेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाएगी, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की भाई, काफ़ी ऑर्गेनिक सामान मिलता है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है कि टेम्परिंग हो रही है किसी प्रोडक्ट के साथ या लाइक आपको डुप्लीकेसी देखने को भी नहीं मिलेगा, काफ़ी अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, ठीक है, वो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। और फिर रही बात कि भाई अगर आपके पास सिपर विपर हैं तो आप ले आओ, ठीक है। ब्लेंडर अगर आपके पास है तो उसको घर पे रहने दो भाई, यहाँ पे सस्ता मिल जाता है, 15-20 pounds का बहुत अच्छा मिल जाता है। चाहे तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने खुद लिया है, मैं दिखाई देता हूँ, ये देख लो भाई, मैंने ये लिया है 20 pounds का, ठीक है। ये 20 pounds की मशीन है, इसके साथ मेरे को वो जग मिला है एक, तो मैं उसी जग में बनाता हूँ, उसी जग में पी जाता हूँ। इनफैक्ट एक में दो मिले हैं तो मैं उसी के साथ बनाता हूँ और उसी में पी जाता हूँ, तो बहुत सही है भाई, अच्छा अच्छा अच्छी क्वालिटी का, विद 2 साल की वारंटी भी है और बहुत सही है 20 pounds का, ठीक है। तो और हाँ, जिम वाले भाई अपने साथ जिम वाले फ्लैट शूज़ ज़रूर लेकर आना है जो डेडलिफ्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक्सपेंसिव है, बट हाँ अगर अपने साथ ले आते हो तो एक प्लस पॉइंट रहता है कि आपको भाई शुरू में ढूंढना ढूंढना नहीं पड़ेगा, और वो काफ़ी टाइम चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। लाइक जो फ्लैट शूज़ होते हैं कॉन्वर्स भी लेके आ सकते हो, या जो आपकी मर्जी फ्लैट शूज ले आओ, अच्छा चल जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहीं तक थी वीडियो, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है, जाने से पहले आप खुद 2 मिनट के लिए ना पहचान नहीं पाओगे मेरा ही रूम है कि नहीं, ठीक है। मैं आपको एक बार रूम दिखाता हूँ अपना, और ऐसे क्या हाल है, ठीक हो, और तुम भी ठीक हो। ये देखो भाई, ये कटिंग चल रही है भाई मेरे रूम में। वैसे ये बाल दिखाओ एक बार अपने, अरे बाल तो सही काटे इधर से, इधर से, इधर से, अरे क्या ही बहुत सही दिखाओ। अरे भाई भाई भाई, ये देखो भाई हमारे कारीगर, हमारे आर्टिस्ट आर्ट, क्या हुआ, तो बहुत अच्छे भी, बड़े मस्त लग रहे हैं भैया, बाकी सब बड़ा मस्त है, ये भी मैंने मस्त कर दे रहा है यार। अभी मैंने कटा रहे हैं, रुक जाओ। चलो कोई नहीं, मैं नहीं कटा रहा भाई, मैं तो भाई एनिमल हूँ ना, एनिमल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो मेक श्योर गिव इट अ लाइक, और कमेंट भी जरूर करना अपना फेवरेट पार्ट। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या लाइक आपको कोई भी डाउट है ना, डायरेक्ट कमेंट कर दो। तो करता हूँ वीडियो यहीं पर ख़त्म, आई होप आपको मज़ा आया होगा और आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी आपके रिगार्डिंगली। So till then, take care, stay healthy, stay safe. So keep loving, keep supporting. Thank you so much for watching.